हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सिग्मा एजुकेटर में। आज हम बायोलॉजी का एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। क्लास टेंथ का ये चैप्टर है, नाम है चैप्टर का जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस। पहला लेक्चर होगा आपका। पहले लेक्चर में हम देखते हैं कि ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेसेस, इसका मतलब क्या है। पहले हम मतलब समझेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस जैव प्रक्रम होते क्या है। तो जैव प्रक्रम का मतलब है कि वो सारी प्रक्रियाएं जो जीवन को बनाने या बनाए रखने के लिए जरूरी हो, वो सारी प्रक्रियाएं, ऐसे कहेंगे कि उन सभी प्रक्रियाओं को जो जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी हो। किसी भी जीव का जो जीवन है वो बना रहे, और बने रहने के लिए जो जो भी प्रक्रियाएं उस जीव में हो रही हैं, उसे हम कहेंगे जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस। जो जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी हूं, जरूरी हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे कि कौन कौन सी वो प्रक्रियाएं हैं। जैसे फर्स्ट है आपका इसमें न्यूट्रिशन, पोषण। पहला है इसमें पोषण, न्यूट्रिशन। दूसरा है श्वसन, रेस्पायरेशन। दूसरा क्या है? श्वसन, रेस्पायरेशन। तीसरी एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है आपका उत्सर्जन। और एक लास्ट में है आपका वहन। ये जो प्रक्रियाएं आपको दिख रही हैं किसी भी जीव में, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रक्रियाएं उस जीव में रुक जा रही हैं तो जीव का जीवन क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। वो कोई भी जीव हो, चाहे वो एक कोशिकीय हो, चाहे बहुकोशिकीय हो, सभी जीवों में ये प्रक्रियाएं होनी ही हैं। अगर वो प्रक्रियाएं नहीं हो रही हैं तो क्या होगा कि उस जीव का जीवन समाप्त हो जाएगा। तो लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम का आप सीधा सा मतलब समझिएगा कि उन सभी प्रक्रियाओं को कहेंगे हम लाइफ प्रोसेस, जो जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में पोषण है, न्यूट्रिशन, श्वसन, उत्सर्जन और वहन। अब इस टॉपिक में क्या करना है कि ये जो आपको एग्जाम्पल यहाँ दिख रहे हैं, इन्हीं एग्जाम्पलों को हमको पढ़ना है। जो एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है और वहन है, इनको ही पढ़ना है। तो हम एक एक करके लेंगे सबको। तो पहला हमारा ये टॉपिक है पोषण। पोषण क्या है पहला हम देख ले रहे हैं। पहला हम देखेंगे पोषण, न्यूट्रिशन। बारी बारी से सबको देखा जाएगा। पहली हेडिंग है आपकी न्यूट्रिशन, पोषण। चलिए देखते हैं ये क्या है। पोषण, न्यूट्रिशन हम कहेंगे किसे? तो वह प्रक्रिया जिसमें हम पोषक पदार्थों को प्राप्त करते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें हम पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट को प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाएगी? पोषण। जैसे हम लिख रहे हैं पोषक पदार्थों को प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पोषक पदार्थों को प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। छोटा सा आपका परिभाषा है, एकदम सरल है, याद हो जाएगी। इसमें आपको दिख रहा है कि पोषक पदार्थों को प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहला रही है। न्यूट्रिएंट को एक्वायर करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? पोषण। तो पोषक पदार्थ क्या है यहां आपको दिख रहा है? पोषक पदार्थ, ये पोषक पदार्थ होते क्या हैं? चलिए देख लेते हैं कि ये पोषक पदार्थ क्या है। न्यूट्रिएंट,
तो सीधा सा हम आपको इसका दे रहे हैं डेफिनेशन कि वह पदार्थ जो पोषण की प्रक्रिया में सहायक हो या सहायता करते हो, वह पदार्थ या ऐसे पदार्थ जो पोषण की प्रक्रिया में न्यूट्रिशन की प्रक्रिया में सहायक हो या सहायता करते हो क्या कहलाएंगे, पोषक पदार्थ। तो जो हेल्प करेंगे सहायता करेंगे पोषण में वो क्या है, पोषक पदार्थ। सहायता करने वाले पदार्थों को ऐसे लिखेंगे कि पोषण में सहायता करने वाले पदार्थों को पोषक पदार्थ कहते हैं, न्यूट्रिएंट। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि चलिए आपने बता दिया कि पोषक पदार्थ हैं क्या, तो आप ये बताइए कि पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं, प्रकार बताइए। तो हम देखेंगे पोषक पदार्थों के प्रकार, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, पोषक पदार्थों के प्रकार। तो ये पांच प्रकार के होते हैं टोटल, इनका पांच टाइप होता है, पांच प्रकार के हैं, एक एक करके हम लिख रहे हैं। पांच प्रकार के हैं पोषक पदार्थ आपके, कितने प्रकार के हैं, पांच प्रकार के। पहला आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, और तीसरा है वसा फैट, और चौथा विटामिन, और पांचवा नंबर है खनिज लवण, जिसे हम मिनरल्स कहते हैं। एक एक करके हम लिख ले रहे हैं। पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरे नंबर पे हम कह रहे हैं प्रोटीन, हम न्यूट्रिएंट के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा है आपका वसा फैट, चौथा है आपका विटामिन मिनरल्स, और पांचवें नंबर पे है विटामिन कहेंगे इसे, मिनरल्स नहीं कहेंगे। और यहाँ पे पांचवा नंबर है खनिज लवण, इसे हम कहेंगे मिनरल्स। तो ये पांच प्रकार के आपके न्यूट्रिएंट हैं। आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन कौन से प्रकार हैं न्यूट्रिएंट के, तो ये पांच प्रकार के आपको याद रखना है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा है वसा, और चौथा विटामिन, पांचवा आपका खनिज लवण। जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पांच प्रकार के न्यूट्रिएंट हैं, तो हम इनका थोड़ा थोड़ा वर्क भी देख रहे हैं कि कार्य क्या है इनका शरीर में, किसी भी जीव के शरीर में इनका कार्य क्या है, क्या करते हैं ये। तो चलिए देख रहे हैं, जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट आपको दिख रहा है, इसका मुख्य कार्य है ऊर्जा की प्राप्ति कराना। जो भी शरीर में आपको ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। मुख्य कार्य की बात हम कर रहे हैं, इसका मुख्य कार्य है कि ऊर्जा के लिए है ये शरीर में, इसका जो कार्य है ऊर्जा देना है, मुख्य कार्य है। अब प्रोटीन का कार्य क्या है, मुख्यतः जो हम कार्य की बात कर रहे हैं, मेनली वर्क क्या है, तो प्रोटीन का कार्य है शरीर की मरम्मत करना। ये शरीर की मरम्मत करते हैं, मरम्मत से मतलब क्या है, मरम्मत का मतलब है कि शरीर में कहीं पे आपको टूट फूट हो गई है, कहीं पे आपका डिस्टरबेंस हो गया है शरीर में, तो उसको भरने का कार्य है, उसको सही करने का कार्य किसका है, प्रोटीन का। ऐसा अगर आपको पता होगा कि जो प्रोटीन है यही मांसपेशियों का निर्माण करती है, इसका कार्य है कि मांसपेशियों को बनाने का कार्य किसका है, प्रोटीन का, मांसपेशियां बनाना। इसी से रिलेटेड है शरीर की मरम्मत करना या मांसपेशियों को बनाना। कोई मांसपेशी अगर डीजनरेट हो रही है तो उसको दोबारा कौन बनाएगा, प्रोटीन। अगर मांसपेशी कमजोर है तो उसको सही करने का कार्य किसका है, प्रोटीन का। वही बात है शरीर की क्या करना, मरम्मत करना। और इसका एक दूसरा कार्य है सेकेंड नंबर पे, या प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी वर्क है, ऊर्जा, ऊर्जा देना, ये सेकेंडरी वर्क है। मेन जो वर्क है शरीर की मरम्मत करना। तीसरा है यहाँ फैट, फैट का क्या कार्य है, मेन कार्य है कि शरीर को बाह्य आघातों से बचाना। अगर बाहर से कोई आपको आघात हो रहा है आपके शरीर पे, तो ये फैट क्या है,
उसको कम करता है। जैसे आपके शरीर पे कोई चोट लगती है तो उस चोट को कम करने का कार्य क्या है, सबसे पहले फैट का है, फैट ही है। अगर कोई बहुत मोटा आदमी है तो क्या होगा कि उसको चोट क्या है, कम लगने की आशंका है कि उसको चोट कम लगेगी, क्योंकि जो उसके शरीर में फैट है वो बाहर से जो भी फोर्स लग रहा है उसको वो न्यूट्रलाइज करने का कार्य करता है। लेकिन अगर कोई पतला है तो क्या होगा कि फैट ना होने की वजह से हो सकता है कि उसके आंतरिक अंगों को नुकसान हो जाए। तो ये फैट का कार्य है, वसा का कार्य है कि बाहरी आघातों से बचाना, ये शरीर को बाह्य आघातों से बचाता है, ये इसका मुख्य कार्य है, बाह्य आघात से बचाना। और इसका एक सेकेंडरी वर्क भी है, वसा का एक सेकेंडरी वर्क भी है, और वो सेकेंडरी वर्क है आपका ऊर्जा की प्राप्ति कराना, ऊर्जा देना, ये सेकेंडरी वर्क है वसा का। और ये सेकेंडरी वर्क क्या है कि ऊर्जा की प्राप्ति कराना, ये वसा का आपका सेकेंडरी वर्क है। और इसको आपको ध्यान देना है कि यह प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है। तो प्राइमरी में यह है कि शरीर को बाह्य आघातों से बचाना, और सेकेंडरी क्या है कि ऊर्जा देना। अब बात करते हैं कि सेकेंडरी वर्क कब कार्य करता है। हम ये आपको तीन चीजें बता दी हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, और यहां पे दिख रहा है कि एक कॉमन चीज है कि ऊर्जा की प्राप्ति कराना। तो पहला तो जो सबसे मुख्य कार्य है कार्बोहाइड्रेट का, ऊर्जा देना, यही आपके शरीर को ऊर्जा देता है। लेकिन कभी ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ गई कि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट कम पड़ गया है, आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, तो उस समय क्या होता है कि इमरजेंसी की कंडीशन आ गई है, परिस्थितियां विषम है, तो होगा क्या कि आपके शरीर में जो भी फैट है और प्रोटीन, अब वो क्या करेंगी कि ऊर्जा की प्राप्ति करवाएंगी। ये इमरजेंसी कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में ऊर्जा कौन दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में जब कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर से खत्म हो गया है, शरीर की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, तो क्या होगा कि वसा और प्रोटीन से आपका बनता है, क्या बनेगा, एनर्जी। और वो क्रम क्या है कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी प्राप्त होगी। कार्बोहाइड्रेट अगर खत्म हो गया है तो आपको जो एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, वो वसा से मिलेगी, फैट से। फैट आपका डीजनरेट होगा और क्या देगा, एनर्जी। लेकिन जब शरीर में फैट है ही नहीं, फैट भी खत्म हो गया है, तो ये कंडीशन कब आती है, स्टार्वेशन के समय, भुखमरी के समय। भुखमरी क्या है कि कोई ऐसा पर्सन है जो कई दिन से भोजन नहीं किया है, और वो कई दिन से भोजन नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले उसके शरीर में क्या खत्म होगा, कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा तो उसके शरीर में वसा खत्म होगा, और वसा भी खत्म हो जाएगा तो ये भुखमरी की कंडीशन आ जाएगी, और उस समय उस पर्सन की जो भी मांसपेशियां हैं वो डीजनरेट होने लगेंगी। और डीजनरेट होकर क्या होंगी कि उस समय उस पर्सन को क्या देती हैं, ऊर्जा देती हैं। तो ये भुखमरी की कंडीशन में होता है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये परिस्थितियां कब आएंगी, जब कंडीशन क्या हो, अनफेवरेबल हो, बहुत ही इमरजेंसी की कंडीशन हो, उस समय हमको वसा और प्रोटीन से एनर्जी मिलती है, नहीं तो नॉर्मल में एनर्जी कौन दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट। चलिए आगे देखते हैं विटामिन के बारे में। ये जो विटामिन न्यूट्रिएंट है ये क्या करता है कि शरीर को ये रोगों से बचाता है, एक तरह कहेंगे कि ये प्रतिरक्षा तंत्र का विकास कर रहा है, इम्यूनिटी का विकास कर रहा है। तो हम इसका नॉर्मल कह रहे हैं कि ये रोगों से बचाता है या रोगों से लड़ता है, शरीर को रोगों से बचाएगा। तो बचाने का कार्य किसका है, विटामिन का। रोगों से बचाने का कार्य किसका है, विटामिन का। अब यहां पांचवा आपको दिख रहा है खनिज, लवण, मिनरल्स, इसका क्या कार्य है। तो मिनरल्स क्या करता है कि किसी भी जीव के शरीर में बैलेंस स्थापित करता है, किसी भी जीव के शरीर को संतुलित करता है, बैलेंस स्थापित करता है। तो ये शरीर में बैलेंस स्थापित करने का मतलब है शरीर को संतुलित करता है, नियमन करता है। खनिज लवण क्या करेंगे, नियमित करेंगे, संतुलित करेंगे। हम इसे लिख रहे हैं खनिज लवण का कार्य कि शरीर में संतुलन स्थापित करना।
शरीर में संतुलन बनाना। पांचों न्यूट्रिएंट के हम आपको छोटे छोटे बेसिक वर्क बता दिए हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, प्रोटीन पहले शरीर की मरम्मत करेगा और सेकेंडरी वर्क है ऊर्जा देना। वसा का कार्य है कि बाहरी आघातों से बचाना, जो भी शरीर है उसे बाहरी आघातों से बचाना, और फिर सेकेंडरी वर्क है क्या करना, ऊर्जा देना। विटामिन का कार्य है कि रोगों से बचाता है, ये रोगों से आपको बचाएगा, और खनिज लवण क्या करता है कि शरीर में संतुलन बनाता है। संतुलन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कुछ ऐसे खनिज लवण है, एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम पोटेशियम, ये क्या करते हैं कि शरीर में बैलेंस स्थापित करते हैं। अगर खनिज लवण की मात्रा आपके शरीर में कम हो जा रही है तो आपके शरीर का संतुलन क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कह रहे हैं कि चक्कर आ रहे हैं आपको, क्यों चक्कर आ रहे हैं, आपके शरीर में जो भी मिनरल्स हैं उनका संतुलन क्या हो गया है, बिगड़ गया है, इस कारण क्या होता है कि आपको चक्कर आते हैं। और इससे हम बचने के लिए हम क्या करते हैं उपाय कि हम अलग से मिनरल्स लेते हैं। हम अलग से क्या करेंगे कि मिनरल्स लेते हैं, और जिससे क्या होगा कि हमारे शरीर का संतुलन पुनः अपने सामान्य कंडीशन में आने की कोशिश होती है। चलिए हम देख लिए कि पोषण क्या है, पोषक पदार्थ क्या हैं, और ये टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। अब हमको ये देखना है कि ये पोषण, ये जो न्यूट्रिशन है, ये कितने प्रकार का होता है, न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है। तो चलिए हम देख लें कि ये पोषण न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है। तो अगली हेडिंग है पोषण के प्रकार। तो आपका पोषण दो प्रकार का है, पोषण कितना है, दो प्रकार का। एक है, एक पोषण की प्रक्रिया वो है जिसमें होता क्या है कि कोई भी जीव अपने भोजन के लिए किसी पे आश्रित नहीं है, और एक प्रक्रिया है कि वो अपने भोजन के लिए क्या है, किसी न किसी पे आश्रित है, किसी न किसी पे आश्रित है। तो पहला है स्वपोषी पोषण, पहला है स्वपोषी पोषण, इसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि कोई भी जीव है वो भोजन के लिए किसी पे आश्रित नहीं है, वो अपना भोजन स्वयं बना ले रहा है। तो ये पोषण की जो प्रक्रिया है कहलाता है स्वपोषी पोषण। और दूसरा है विषमपोषी पोषण, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये पोषण के आपके प्रकार हैं कि पोषण कितने प्रकार का होता है। और ये जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इसमें जो जीव है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी न किसी पे क्या होगा, निर्भर होगा। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक देखते हैं, आगे वाले लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए सिग्मा एजुकेटर चैनल को। धन्यवाद, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।